नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने धन योग लेकर के। आज जानेंगे हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ मुख्य मुख्य धन योगों के बारे में। आज बताता हूँ किस प्रकार से निर्माण होता है हमारी जन्म कुंडली में धन योगों का। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से निर्माण होता है हमारी जन्म कुंडली में धन योग का। नंबर एक, लग्नेश धन भाव में स्थित हों, धनेश लग्न में स्थित हों तो ऐसा जातक धनवान होता है। नंबर दो, एकादशेश, नवमेश और चतुर्थेश अर्थात एकादश भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी एक साथ धन भाव में युत किए हों तो ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। नंबर तीन, धनेश नवमस्थ हो अर्थात धन भाव के स्वामी नवम भाव में स्थित हो और लाभेश धन भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। नंबर चार, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है। नंबर पाँच, लग्नपति लग्न में धनेश और लाभेश के साथ युक्त हो तो ऐसा जातक धनवान होता है। रात्रि का जन्म हो, धन भाव में चंद्रमा स्थित हो, साथ ही शुक्र से दृष्ट हो तो ऐसा जातक भी धनवान होता है। लग्नेश नवमेश और चतुर्थेश उच्च के हों तो ऐसी जातक की आर्थिक स्थिति अत्यंत उच्च स्तर की होती है। धनेश उच्च के होकर के त्रिकोणपति के साथ केंद्र में हों ऐसी स्थिति में जातक अरबपति होता है। हमारी जन्म कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ स्थित हों या शुक्र और बुध में परस्पर दृष्टि संबंध हो तब भी जातक धनवान होता है। इस योग में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। जब हमारी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र परस्पर युक्त हों या दृष्ट हों तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है, क्योंकि बुध ग्रह को भगवान नारायण अर्थात विष्णु भगवान की संज्ञा दी गई है और शुक्र को लक्ष्मी की। इस स्थिति में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग होता है उस व्यक्ति की भी आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर की होती है। ये रहे कुछ मुख्य मुख्य धन योग। एक बात और बताना चाहूंगा, जन्म कुंडली में धनेश और लाभेश षष्ठम अष्टम व द्वादश में स्थित ना हो तो उस व्यक्ति की भी आर्थिक स्थिति अच्छे स्तर की होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और जो नए दर्शक हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में।